स्वागत है ब्रेक के बाद आपका फिर से सिटी राशिफल में। और बता रहे हैं आपको आपके साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। ये आपके लिए सप्ताह धनु राशि की अब हम बात करेंगे। बिल्कुल, धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं बता दूं, ये सप्ताह आपका लड़ाई झगड़े का है, क्योंकि मित्रों के साथ भी लड़ाई झगड़ा बन सकता है। और यदि आप हॉस्टल इत्यादि में रहते हैं अब और कॉलेज इत्यादि में पढ़ते हैं, तो अब बड़े झगड़े की भी संभावना बनी रह सकती है। तो आपको इससे बचना है, और साथ साथ में पिता से आपको लाभ होने की आशंका है। कुछ पैसे इत्यादि, पॉकेट मनी इत्यादि ज़्यादा मिलने की संभावना है। और साथ साथ यदि आप अपने घर में माता पिता के सहयोग के साथ बड़ा कुछ कार्य कर सकते हैं, और पति पत्नी में सुख का समय है, बहुत ही अच्छा और लाभ देने वाला है। और पड़ोसियों के साथ भी बहुत ही अच्छा आप लाभ बना रह सकता है। और किसान यदि आप हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये सप्ताह शांति से बीतने वाला, आराम आपके इस सप्ताह मिलेगा जी। और कैसे रहेगा इनका सक्सेस रेट और लकी नंबर और कलर की अगर बात की जाए? बिल्कुल, सक्सेस रेट आपका बहुत ही ज़्यादा 82% के करीब करीब इस सप्ताह का है। और अब आपको आय के साधन भी बहुत ज़्यादा इस सप्ताह मिलने वाले हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप हो सके तो गुलाबी रंग का प्रयोग करें। गुलाबी रंग के साथ साथ आप 7 अंक का प्रयोग कर सकते हैं, आपके लिए लाभ रहेगा जी। और अगर बात की जाए अब मकर राशि की, तो कैसा रहेगा इनका ये पूरा सप्ताह? मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ उधेड़ बुन का समय है, और साथ साथ आर्थिक लाभ आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। और मन मुटाव जितना भी था, पुरानी रंजिशें आपकी दूर होने की संभावनाएं हैं। यदि आप राजनीति करते हैं तो अब आपका विलय किसी न किसी के साथ होने वाला है, क्योंकि आपका अपना मन नहीं चलेगा, दूसरों के मन के साथ आप चलने वाले हो। और अब शरीर कष्ट ज्यादा है, क्योंकि पैदल चलना भी इस सप्ताह बहुत ज्यादा रह सकता है। और साथ साथ में देखता हूँ आपके लिए मंगलवार और गुरुवार, ये दोनों ही दिन अच्छे हैं, बाकी के दिन थोड़ी जद्दोजहद जी। जैसे कि आपने कहा जद्दोजहद ज्यादा है और उधेड़ बुन का भी है, तो क्या उपाय इन्हें करने होंगे इस सप्ताह? इस सप्ताह आप, मैं बताता हूँ आपको कि 48% के करीब करीब सक्सेस रेट कम है, तो आप उपाय विशेष तौर पे ये करिए कि सप्तधान्य लीजिए और सर के ऊपर वार करके ये कहीं बहते पानी में छोड़ सकते हैं तो भी लाभ होगा। या जलता हुआ दीपक जिसमें कुछ कीले, 3 कीले आपको और तेल बहाना है, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। यदि आपका केस इत्यादि चल रहा है तो उसमें कुछ नुकसान की भी आशंका है, तो ये उपाय जरूर कर ले। और लकी नंबर आपके लिए 4 है, और हो सके तो आप गहरे लाल रंग का प्रयोग इस सप्ताह कर सकते हैं जी। तो ये तो बात हुई मकर राशि की, अब हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं बता दूं, ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, खुशी का समय है, और दूर दराज से आपको बढ़िया खुशी मिलने वाली है। और साथ साथ में आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आस पास के लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि आपकी शिकायत भी कर सकते हैं। और एक विशेष तौर पर आपको मैं बताऊँ कि शनि उपासना से आपको लाभ होगा। और साथ साथ ये सप्ताह आपके मकान में सफाई इत्यादि में बहुत बढ़िया सप्ताह और बनी रह सकती है जी। और क्या उपाय इन्हें करने होंगे खास तौर पर इस सप्ताह को अच्छा करने के लिए? इस सप्ताह को अच्छा करने के लिए आप विशेष उपाय आप करें कि कहीं हो सके तो पीले रंग के कपड़े के अंदर 3 लड्डू डालें और उनके अंदर थोड़ा सा लौंग लगाएं, तो आपको लाभ होगा। ये चौराहे पर रखने से आपको लाभ होगा। या हो सके तो इस सप्ताह 6 अंक का प्रयोग करें या आसमानी रंग का प्रयोग करें, ये भी आपके लिए उत्तम रहेगा जी। और अगर बात की जाए हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि की, तो कैसा रहेगा उनके लिए ये पूरा सप्ताह? मीन राशि वालों के लिए बता दूं, ये सप्ताह आपका बिल्कुल सेहतमंद वाला है, और अच्छा अच्छा सोच आपके अंदर रहेगी। लेकिन स्थानांतरण आपका इस सप्ताह हो सकता है, क्योंकि स्थानांतरण होने के बाद आपको कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, आपके मकान को शिफ्ट भी हो सकते हैं। और यदि किसान भाई हैं तो आपको लाभ इस सप्ताह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस सप्ताह आपके लिए पैसा भी आने वाला है, बैंकिंग क्षेत्र भी आपको लाभ करेगा। और एक और बात बताऊँ, राजनेता आपके पास इस सप्ताह आ सकते हैं, और आप हो सकते हैं मुखिया भी किसी फर्म के या किसी एसोसिएशन के बन सकते हो, या आपके योग बनते हैं। सक्सेस रेट इस सप्ताह का आपका लगभग 72% से ऊपर का है जी। वैसे तो देखा जाए ओवरऑल अच्छा है मीन राशि वालों के लिए ये पूरा सप्ताह, लेकिन फिर भी क्या उपाय इन्हें करने होंगे खास तौर पर और क्या रहेगा इनका लकी नंबर और कलर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, यदि हो सके तो झाड़ू कहीं चौराहे पर लगाएं तो आपके लिए लाभ होगा, या गौ माता के गौमूत्र से स्नान करें तो भी आपके लिए बहुत बहुत ही उत्तम रहेगा। और लगभग आप हो सके तो इस सप्ताह गुलाबी रंग का ही प्रयोग करें, और 1 अंक आपके लिए बड़ा ही उत्तम और लाभ देने वाला।
जी, तो ये तो बात हुई राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा हमारे सभी दर्शकों का ये पूरा सप्ताह। और अब हम बात करेंगे आचार्य जी, हम बहुत देखते हैं और आप भी कई बार कहते हैं कुंडली में कि आपको काल सर्प योग है, तो क्या है ये काल सर्प योग और क्या उपाय रहते हैं इसके खास तौर पर? बिल्कुल, काल सर्प योग बहुत तरह के रहते हैं, लेकिन विशेष तौर पर मुख्य तौर पर ये 12 तरह के हो सकते हैं। जब भी राहु केतु दोनों तरफ से सारे ग्रहों को पकड़ लेते हैं नक्षत्र में, तो आपको ये समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि राहु और केतु के अंडर में सारे ग्रह आ जाते हैं जो भी काम करना बंद कर देते हैं। 30 वर्ष तक तो इसका बहुत ही ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन यदि इसका उपाय करें तो 30 वर्ष तक इसका लाभ मिलता है, आगे भी लाभ मिलता है। यदि उपाय नहीं करते हैं तो बहुत बुरा असर इसका होता है। एक तो शादी में भी अड़चने आती है, और साथ साथ जीवन साथी के साथ भी अड़चने आती है, और संतान पक्ष में भी अड़चने आती है। तो इसका उपाय विशेष तौर पर कर लेना चाहिए। बहुत आसान शावरवेद का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि दोनों हाथों के बराबर के दो लोहे के सर्प बनाने हैं, और सर्प के आकार के ये बनेंगे, और एक आपको काला कपड़ा आगे बिछाना है, उसके ऊपर दोनों ये सर्प रखने हैं, काले तिल सफेद तिल और उड़द के साथ इनको बिल्कुल दबा देना है, और साथ में आपको लौंग के साथ इनका कीलन करना है, फिर धूप दीप देना है, और फिर इसकी पोटली बांध करके नदी के किनारे उल्टे बैठना है और इनको पीछे की तरफ धकेलना है 11 फुंकी मार करके, और एकदम आपका ये काल सर्प योग निश्चित तौर पे खत्म हो जाएगा, और काल सर्प की संभावनाएं 0% पे आपकी रहेगी। फिर आगे ये परेशान नहीं करेगा, आपको लाभ करेगा। और कई काल सर्प योग बहुत ही अच्छे रहते हैं जो राजनीतिक लाभ भी देते हैं, तो आपको क्या करना है कि इसका उपाय जरूर कर लेना है, चाहे जिस भी घर में बैठा है, चाहे जौन सा भी है आपका, तो और हो सके तो मंत्र आप बोल सकते हो, कपिला कालियो दंत वसुकि तक्षक नागाय नमन्वा, लेकिन मंत्र की आवश्यकता कोई नहीं रहती है। जब आप मन से करते हो, संकल्प से करते हो, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं रहती, आप ये अवश्य करें, क्योंकि काल सर्प योग हमेशा ही प्रभाव करवाता ही करवाता हर कुंडली में है, और कलिकाल में इसका ज्यादा प्रभाव। जी, तो ये बात हुई काल सर्प योग की। और अब हमारे पास एक प्रश्न आया संजय जी का, और इनका भी शादी से रिलेटेड ही एक प्रश्न है, और ये कह रहे हैं कि इनके गुण कम मिलते हैं, 16 गुण मिलते हैं, लेकिन ये दोनों ही मांगलिक है, तो क्या ये शादी कर सकते हैं कि नहीं, ये इनका प्रश्न है। बिल्कुल संजय जी, मैंने आपकी कुंडली देखी है, आप बिल्कुल बतौर आप विवाह कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। गुण कम है, लेकिन आपके दोनों ही मांगलिक हो, और साथ साथ में यदि मैं देखता हूँ तो 30 वर्ष से ऊपर के हो गए हो, आपको ये विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों का प्रेम विवाह ही होता है, और निश्चित तौर पे आपका विवाह होगा, और आपके लिए लाभ इसमें मिलेगा ही मिलेगा, और लगभग विवाह के 10 वर्ष के बाद आपके लिए बिल्कुल अच्छा और अच्छा भाग्य आपका खुलता हुआ मुझे दिखता है। जी चलिए, तो अगर आपके मन में भी ऐसे ही प्रश्न है अपनी शादी से रिलेटेड, या फिर और भी कुछ जॉब से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है चल रही है, तो आप लिख दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर, ईमेल कीजिए acharyaplus@gmail.com पर, acharyaplus@gmail.com पे आप बिल्कुल किसी भी तरह के प्रश्नों को आप भेज सकते हैं, हम समाधान जरूर करें। जी, तो हम यही कहेंगे कि आपका ये पूरा सप्ताह मंगलमय हो, अगले सप्ताह इसी समय फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।